सब्लाइम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम देख रहे हैं आईसीटी और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज जो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन फ्लिपनेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप जितने डिजिटल इनिशिएटिव हैं सब में मोस्टली इसका जो है आपको नाम दिख जाएगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन फ्लिपनेट का जो फुल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो INF लिखा हुआ है आपके पास, इससे बनता है इंफॉर्मेशन, LIB से बनता है लाइब्रेरी और NET से बनता है नेटवर्क। ठीक है, तो जो इसके छोटे छोटे I से कुछ बन जाए या N से बन जाए ऐसा कुछ नहीं है, इसको अलग अलग तीन भागों में इसके नाम से डिवाइड करके बना दिया गया है। इसकी वेबसाइट है और वेबसाइट पे एक नज़र डाल लेते हैं फिर चर्चा शुरू करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं वेबसाइट पे। तो आप देख रहे हैं ये है वेबसाइट इनफ्लिप नेट सेंटर की, इसको हिंदी में कहते हैं सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र और हिंदी में कहते हैं सॉरी इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। राइट हैंड पे लिखा हुआ है एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है किसका, UGC का। ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि अभी तक हमने जो डिजिटल इनिशिएटिव पढ़े हैं उन सबको ये इनफ्लिपनेट सेंटर ही सपोर्ट दे रहा है। जैसा कि हमने देखा था अभी अपने विद्यामित्र में और स्वयं प्रभा में और स्वयं में, इस सारी जिस चीज़ें हैं ये इनफ्लिपनेट सेंटर के बेस्ड पे ही चल रही हैं। तो देखिए मेजर प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं NCAT, सॉल, शोध सिंधु, शोध गंगा, इसमें कुछ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं और कुछ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और इधर देखिए मेजर प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, स्वयं प्रभा है, इंडियाज रैंकिंग है, NIRF की रैंकिंग इसमें मतलब इसी से बेस्ड रहती है, यही हैंडल करता है NIRF की साइट को, और विद्या मित्र है, विद्वान है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत हैं। उसके बाद एक्टिविटी हैं जो चार बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, और लास्ट में हम इसके बारे में जानते हैं। तो हमें खूब सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, पब्लिकेशन कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे नीचे लिखा हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, गांधीनगर गुजरात, मतलब ये गांधीनगर गुजरात से चल रही है या वहीं पे इसका जो है हेड ऑफिस है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा वेबसाइट में बहुत सारी जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं वो जुड़ी हुई हैं इनफ्लिपनेट से, जो कि टेक्निकल सपोर्ट देता है सारी इस वेबसाइट्स को और जितने इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन से रिलेटेड या नॉन एजुकेशन रिलेटेड भी हैं तो उनको भी ये टेक्निकल सपोर्ट देता है, और जो डाटा है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, ये सारी सपोर्टिंग इनफ्लिपनेट ही करता है। आइए देखते हैं। तो इनफ्लिपनेट जो है वो लॉन्च किया गया है UGC के अंतर्गत और ये एस्टेब्लिश्ड है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है और इनफ्लिपनेट जो है UGC की एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको हम कहते हैं स्वायत्त इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, यानी कि ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इनफ्लिपनेट को हिंदी में कहते हैं सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र। तो यह एक प्रमुख राष्ट्रीय गुजरात कार्यक्रम जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय परिसर अहमदाबाद में 1991 में UGC द्वारा शुरू किया गया था। मतलब कहने का ये है जब ये शुरू किया गया था तब ये अहमदाबाद में था और इस समय ये गांधीनगर में है। तो प्रारंभ में IUCAA के तहत एक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और ये एक 1996 में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन गया। IUCAA क्या चीज़ है, ये एक रिसर्च से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है समझ लीजिए, जो रिसर्च के लिए काम करती है। तो ये पुणे में है, इसका फुल फॉर्म है द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये जब IUCAA बना था तो उसी के अंतर्गत एक छोटी सी संस्था बना दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी संस्था बन गई और आज UGC की जो है स्वायत्त इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बन के सामने आया है। करता क्या है इनफ्लिपनेट, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, कंप्यूटर, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो हम घर बैठे भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सपोर्ट करता है जो
यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं या कोई भी संस्थान है, वो उनको आपस में ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक अच्छा सा नेटवर्क देता है, ताकि आप लोग आराम से डेटा को जो है मूवमेंट कर सकें और आप उसका यूज़ कर सकें, और जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको इजी रहे। तो ये पहला हो गया। दूसरा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग जानकारी से निपटने और डाटाबेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में संचार नेटवर्क के लिए उचित नियंत्रण और निगरानी प्रणाली की स्थापना। मतलब कहने का ये है, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, किस प्रकार से डाटाबेस को रखा जाए, जैसे आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी जो संस्थाएं हैं किस तरीके से अपने डाटा को मेंटेन करके रखती है, इसके लिए सर्वर बनाने पड़ते हैं। तो जो इन्फ्लिपनेट है, ये अपने गांधीनगर में जो सेंटर है उसमें क्या करता है, डाटाबेस बनाता है, सबको इजीली अवेलेबल हो इसके लिए खूब सारे डाटा को लिंक करके रखता है एक दूसरे से, ठीक है। तो दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा है, संस्थानों जो जो कि शिक्षण संस्थान है, पुस्तकालय, सूचना केंद्र और अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए बनाया गया है। मतलब जितने भी संस्थान हैं, हो सकता है वो म्यूजियम हो सकता है वो जो भी टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड हैं, आईआईटीज हैं, या केंद्रीय जो हमारे विश्वविद्यालय हैं यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनको जोड़ने का काम करता है इन्फ्लिपनेट। रिसर्च यानी कि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाओं को विकसित करता है। अब वो आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, देखिए इसका तो नाम ही लाइब्रेरी है ना, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये लाइब्रेरी को किस तरीके से मेंटेन करना है उसका एक स्टैंडर्ड भी बनाता है कि भाई लाइब्रेरी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और लाइब्रेरी में हमें कौन कौन से डाटा आराम से इजी अवेलेबल हो, ये सारी चीजें जो है इन्फ्लिपनेट इसके लिए जो है नियम कानून बनाता है, और उसको इजी मोड में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको लिंक करता है आपस में। लाइब्रेरी सर्विस किस तरीके से होनी चाहिए या लाइब्रेरी इन्फ्लिपनेट के अनुसार कैसी होनी चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि उनका कहना है कि रेफरेंस सर्विसेज होनी चाहिए लाइब्रेरी में। मतलब अगर आप कोई बुक चाहते हैं तो उसका रेफरेंस कैसे होगा। दस्तावेज डिलीवरी यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होनी चाहिए, और वर्तमान जागरूकता सेवा यानी करेंट अफेयर सर्विस होनी चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है। अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज, मतलब हम किसी भी लाइब्रेरी से किसी भी बुक ले सकते हैं, अपने घर पे पढ़ना चाहते हैं इसलिए। इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवा, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब है लाइब्रेरी सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स रखी हैं और आपने उठाई और पढ़ लिया, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर भी होना चाहिए जो लाइब्रेरी है, जिससे हम अगर लाइब्रेरी में कुछ हमारे सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ जो कंप्यूटर लगा है उसके सर्वर पे जाके हम बहुत कुछ सर्च कर सकें। फोटोकॉपी का मतलब, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई, लाइब्रेरी में एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, अगर आप बुक्स नहीं ले आना चाहते हैं तो एक फोटोकॉपी आप कम से कम कर सकें, या एक दो, जो बहुत पूरी बुक तो नहीं करने वाली होती है लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज़ की फोटोकॉपी कर सकें, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज इन्फ्लिपनेट, जो एक्टिविटी इन्फ्लिपनेट है वो ये बताता है कि जो चार पॉइंट दिए हुए हैं इन फीड, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इन आई से हो गया इन्फ्लिपनेट और बाकी एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन। तो यहाँ पर जो ये फेडरेशन है यानी कि इन फीड है, ये करता क्या है, ये जो इन्फ्लिपनेट के जितने भी सर्वर हैं उस पे जितने भी कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं, तो वो उनको एक क्या कहते हैं कि एक पोर्टल बना के देता है या उनको एक नेटवर्क देता है और सर्विस देने का काम करता है इनफैक्ट। और जैसे ताकि अगर हम आपस में इंटर यूनिवर्सिटी कुछ भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तो उनको एक अपना नेटवर्क मिले जिससे वो अच्छे से कोई भी काम कर सकें। अगर हम दूसरे नेटवर्क के थ्रू कहीं जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जो इन्फ्लिपनेट के द्वारा जितने कॉलेज जुड़े हैं तो उनको एक बहुत बेहतरीन नेटवर्क देने का काम करता है इनफैक्ट। इसके बाद नाम लिखा है आईएनएस। आईएनएस का जो है फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। तो ये जो आईएनएस है, ये जो इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम होता है कि मतलब जितने भी अभी तक रिसर्च हुए हैं उनको हम अगर लिंक कर दें एक दूसरे से, तो कितनी आसानी से हमको रिसर्च वाले जो मेथड हैं या रिसर्च हुए हैं या उनसे संबंधित कोई भी जानकारी है तो हमको इजी अवेलेबल हो जाए।
इसमें कई जो इंडिया के अलावा भी जो रिसर्च सेंटर हैं वो भी जोड़े गए हैं। इससे क्या होगा कि हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उससे संबंधित कोई जानकारी जो कि हमारे रिसर्च में हेल्प करती है वो आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। ये जितनी भी मैंने अभी नाम लिखे हैं ना, ये सारी वेबसाइट्स हैं। आप इनफेड की अलग वेबसाइट है, आरएनएस की अलग वेबसाइट है, इन्फोपोर्ट की अलग वेबसाइट है। तो इनकी वेबसाइट पे जाकर आप जो मैं बता रहा हूँ उससे संबंधित काम कर सकते हैं। अगला है इन्फोपोर्ट। इन्फोपोर्ट का मतलब इन्फ्लिपनेट सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। फुल फॉर्म पे मत जाइएगा, इसके बारे में यही बताया गया है, क्योंकि अब वो उन्होंने पोर्ट का फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखा है, मुझे भी समझ में नहीं आया लेकिन लिखा इसी तरीके से है। तो इसमें आप मेन फोकस रखिएगा सब्जेक्ट पे। इनका कहने का मतलब है जो इन्फो पोर्ट है वो आपको सब्जेक्ट वाइज आपके पॉइंट पे पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन से हैं और वो आप जब इसकी साइट पे जाएंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से सब कुछ मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जेड तक मिलेगा। तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो आप ई को क्लिक करेंगे तो एजुकेशन, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, ई से सारे सब्जेक्ट जो है वहां पे आपके सामने आ जाएंगे। आप जो भी चाहते हैं अपने, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आप एजुकेशन का जो है पोर्ट चुनिए और अंदर जाएंगे तो आपको ऑडियो वीडियो या पीडीएफ या टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी इससे संबंधित चीज़ें इन्फिनेट में अवेलेबल हैं, रिसर्च वाली अवेलेबल हैं, वो सारी आपको मिलेंगी। तो ये जो इन्फो पोर्ट है वो सब्जेक्ट वाइज आपको सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद है आई आर इन्फ्लिपनेट, यानी कि इन्फ्लिपनेट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ठीक है, इन्फ्लिपनेट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी करती क्या है कि आप अगर कोई रिसर्च है, आपने कोई भी रिसर्च बनाया तो आप चाहते हो कि हम उसको जो है न्यूज़ में दें या उसको हम अवेलेबल कराएं, लोगों के पास पहुंचाएं, तो इन्फ्लिपनेट जो आई आर इन्फ्लिपनेट है ये क्या करता है, न्यूज़ में पब्लिश कराता है। जो भी आप रिसर्च करते हैं पब्लिश कराने का काम करता है, वो आपको सपोर्ट करता है। और आई आर इन्फ्लिपनेट, जैसे अब किसी ने अपना रिसर्च इन्फ्लिपनेट के थ्रू सबके सामने रखा है तो आप वहाँ जाके नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई करंट अफेयर है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, कोई न्यूज़ है तो मिल जाएगी, कोई नई क्लिप आई होगी तो वो भी मिल जाएगी, बहुत कुछ अवेलेबल है न्यूज़ टाइप में। तो समझ लीजिए इन्फ्लिपनेट का जो न्यूज़ पोर्टल है वो यही है आई आर इन्फ्लिपनेट। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की जो कि इन्फ्लिमनेट करता है। तो हम बात करते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा शैक्षिक संस्थानों में लोगों और संसाधनों का एक वर्चुअल नेटवर्क तैयार करना, जिसका उद्देश्य है नवाचार यानी कि इनोवेशन और सहयोग यानी कि सहयोग के माध्यम से ज्ञान को प्रभावी और कुशल पहुंच प्रदान करना। उसके बाद है बिल्ड स्ट्रेंथ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके। डेवलप टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर फॉर सिक्योर एंड कन्वीनियंट एक्सेस मैनेजमेंट। देखिए जो भी टूल्स हैं टेक्निकली, जो हमें मान लीजिए हमें कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, किसी से बात करनी है या कोई टेक्स्ट लेना है तो उसको इजीली अवेलेबल कराता है कौन, इन्फ्लिपनेट। फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ ओपन एक्सेस डिजिटल रिपोजिटरी इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर होस्टिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च कंटेंट्स क्रिएटेड बाय दीज इंस्टीट्यूशन। आपको जो भी एजुकेशनल रिसर्च से संबंधित जो आपके शोध हैं, रिसर्च हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी रिपोजिटरी में, डिजिटल रिपोजिटरी इसीलिए कहते ही हैं इसको। रिपोजिटरी का मतलब है कि जो भी रिसर्च है आपको हेल्प कर सके, जो पहले हो चुके हैं, वो सारी फैसिलिटी देता है ये इन्फ्लिपनेट। तो ये हमारे आज के वीडियो में जो कि जिसमें हमने आपको बताया इन्फ्लिमेंट क्या है, इन्फ्लिमेंट वर्क कैसे करता है और कौन कौन सी ऐसी डिजिटल इनिशिएटिव है जिससे ये जुड़ा हुआ है। आगे भी हम आपको डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में बताते रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।